Hello everyone, this is Navneet Pandey. Welcome you all again in my channel Learn English with Friend. So friends, क्या आप लोगों को see, look और watch में अंतर पता है? क्या आपको listen और hear में अंतर पता है? क्या आपको whom और house में अंतर पता है? या क्या आपको aunt और auntie में अंतर पता है? अगर नहीं पता है, so don't worry. ये video केवल आपके लिए है. आज हम लोग इन सारे अंदर वो स्टेप बाय स्टेप जाने सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ठीक है सो स्टार्ट करते हैं सी लुक और वॉच से बेसिकली आप देखेंगे इन तीनों का मतलब देखना ही होता है वैसे देखने की बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग होते हैं मैं किसी वीडियो में आपको केवल एक वीडियो दूंगा जिसमें कम से कम 10 प्रकार के देखने होंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हम देख सकते हैं कितने प्रकार के देखने हैं ठीक है सो पहले आज ये देख लेते हैं सी लुक वॉच So see, look और watch में क्या अंतर होता है? Basically जो see होता है, see का मतलब क्या होता है? आप कहीं भी रहिए, आप आँख बंद करके जैसे ही आँख खोलते हैं, so आपका intention भले ना हो कुछ देखने का, फिर भी आँखें खुली हैं, तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। So बिना intention के कोई चीज़ अगर आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप see का use करिए। जैसे मैं इस समय मेरी आँखें खुली हैं, मैं क्या देख रहा हूँ? I can see my cooler, I can see a lot of things are there which I can see. बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, लेकिन मुझे वो मेरा intention नहीं है देखने का. So see का मतलब क्या होता है? जिसमें intention ना हो, केवल आप देख रहे हो उसको. दूसरी चीज क्या होती है? Look. Look का मतलब क्या होता है? Look का मतलब है जो चीज बहुत लोग कहते हैं look. There's a monkey on the tree. Yes. So look का मतलब वहाँ पे आपको जानबूझ के ध्यान दिलाया जाता है. So जहाँ पे आपको intentionally दिखाया जाता है या intentionally आप देखते हो So intention wise अगर हम देखते हैं कोई चीज तो वहाँ पे हम look का use करते हैं ठीक है और तीसरी चीज है watch watch का मतलब जो भी चीजें action में जो भी चीजें चल रही हैं ऐसे इसलिए कहते हैं watching the television So TV हम लोग क्या कहते हैं TV हम लोग देखते हैं लेकिन TV जो है action में रहता है हमेशा movable है और इसीलिए movable चीजों के लिए हम वॉच का यूज करते हैं इसके लिए मैं एक आपको बहुत सुंदर सी स्टोरी सुनाता हूँ उस स्टोरी के माध्यम से आप आराम से इन तीनों को अंतर कर पाओगे स्टोरी देखते हैं रेलवे स्टेशन का मान लेते हैं कि हम लोग एक ट्रेन में बैठे हैं ठीक है अब ट्रेन में बैठे हैं ट्रेन हम यहाँ से स्टेशन से चली स्टेशन से चल रही है अब क्या कर रहे हैं ट्रेन जब चल रही है आप बाहर देखते हो बाहर सारी चीजें पीछे जाते हुए दिखती है पीछे जाते हुए दिखती है तो वहां पे क्या है आपको चीजें एक्शन में लगती है तो वहां पे क्या कहेंगे आई एम वॉचिंग आउटसाइड मैं बाहर देख रहा हूँ सो वो वॉच के सेंस में आएगा याद रखिएगा उसके बाद मान लेते हैं जो आपकी ट्रेन थी वो किसी स्टेशन पर रुक गई अब स्टेशन पर रुकी है तो वहां पे आप खिड़की से बाहर देखते हो और जब खिड़की से बाहर देखते हो तो आप इंटेंशनली कोई चीज नहीं देखना चाहते बस आप देखते रहते हो सो बहुत सारी चीजें वहां पे दिखती हैं आपको कोई बैठा मिलेगा कोई आते जाते मिलेगा कोई बैग के साथ मिलेगा कोई समोसा बेचते कोई चाय बेचते हुए बहुत सारे लोग आते जाते रहेंगे आपका इंटेंशन नहीं होगा उनको देखने का लेकिन आंखें खुली हैं तो देखेंगे सो उस समय आप सी का यूज करेंगे और तीसरी चीज मान लीजिए वही स्टेशन पे प्यारा सा बच्चा अपनी मम्मी की गोद में खेल रहा है तो वहां पे क्या करेंगे आप उस बच्चे को देख रहे हैं तो आपका इंटेंशन हो गया कि कितना क्यूट सा बच्चा है अब आपकी आंखें उसको देखेंगी तो वहां पे इंटेंशनली आप उस बच्चे को देख रहे हो तो वहां पे आप क्या यूज करोगे लुक का यूज करोगे ओके सो इस तरीके से ये अंतर है सी लुक और वॉच में अब देखते हैं दूसरा अंतर है लिसन और हियर का लिसन और हियर में अंतर क्या है दोस्तों पहले बता दूं आपको देखिएगा हियर क्या होता है हियर मान लीजिए तीन दोस्त आपस में बात कर रहे हैं जिसमें दो दोस्त पढ़ोइयां हैं और एक दोस्त उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और दो दोस्त पढ़ाई की बातें कर रहे हैं और एक दोस्त वहां पे क्या होगा वो बोर होगा है कि नहीं सो जो बोर होगा वो पढ़ाई की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो क्या करेगा मान लीजिए वो मोबाइल निकाल के वो मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर दिया तो आपकी बातों को सुन तो रहा है अपने दोस्तों की बातें सुन रहा है लेकिन उस इंटेंशनली नहीं सुन रहा है वहां पे वो ध्यान से नहीं सुन रहा उन चीजों को तो इसलिए वहां पे बाद में अगर उससे पूछा भी जाए ना कि हम लोगों ने क्या क्या बातें की तो हो सकता है वो चीजें बता भी दे लेकिन वो ध्यान से उन चीजों को नहीं सुना डीपली उन चीजों को डीपली नहीं बता पाए सो वो चीज है हियर
और लिसन में क्या होता है कि वहाँ पे जो दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे अच्छे से, वो क्या कर रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे एक दूसरे को. सो ध्यान से सुनना लिसनिंग है और ध्यान से ना सुनना हियरिंग है, क्योंकि कान है, कान में आवाज़ तो जाएगी. जैसे क्लास में हो आप, सो क्लास में पंखे भी चलते रहते हैं, कूलर भी चलता रहता है, एसी भी चलता रहता है. सो उनके भी साउंड्स हमारे कान में जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने टीचर को ध्यान से सुनते हैं. सो टीचर को हम लोग लिसन करते हैं, लेकिन पंखे की आवाज़ है, कूलर की आवाज़ है, वो भी हमारे कान में जा रही है, लेकिन हम इंटेंशनली उन साउंड्स को नहीं सुनना चाहते हैं. तो वो हमारे लिए क्या है, हियर का यूज़ है, कि हम पंखों को हियर कर रहे हैं क्लास में, लेकिन अपने टीचर को लिसन कर रहे हैं. ये अंतर है हियर और लिसन में. ओके, चलिए तीसरी बात करते हैं, होम और हाउस में. मैंने देखा था मेरे दोस्त स्टूडेंट्स इस पर डिबेट कर रहे थे, होम और हाउस, क्या है होम क्या है हाउस. बेसिकली वो लोग कह रहे थे दोनों सेम है, एक कह रहा था नहीं कुछ अंतर है. तो मुझे लगा ये वीडियो बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है सबके लिए जिनके पास ये प्रॉब्लम है कि कहाँ पे लगाएं होम, कहाँ पे लगाएं हाउस. सो देखिएगा यहाँ पे अंतर क्या है, होम और हाउस में ये अंतर है. होम का मतलब होता है कि जहाँ पे हम बहुत दिन तक रह चुके हैं, जहाँ से हमारा जहाँ से फीलिंग्स स्टार्ट हो जाएं. जैसे कि जो कभी गांव से कोई इंसान शहर में कमाने के लिए जाता है, सो अपने गांव अपने घर को बहुत ज़्यादा याद करता है, वो होम सिक हो जाता है. सो होम सिक क्यों कहते हैं, क्योंकि होम से उसकी यादें जुड़ी हैं, उसकी सारी मेमोरी होम से हैं. सो होम का मतलब वहीं पे होम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी सारी मेमोरीज हैं, जहाँ पे हमने अपना बचपन बिताया. सो बचपन बिताए हैं, अब वहाँ से वो घर जैसे ही छोड़ेंगे ना, तो वहाँ हमें प्रॉब्लम होगा, हमें पेन फील होता है, तो वहाँ पे हम होम का यूज़ करते हैं. होम का मतलब जहाँ पे फीलिंग्स हैं. हाउस का मतलब कोई फीलिंग्स नहीं, कुछ दिन के लिए आप वहाँ पे रहे फिर वहाँ से हट गए. जैसे होटल भी एक प्रकार का घर ही है, लेकिन होटल में दो तीन दिन रुकते हैं तो वहाँ से कोई अटैचमेंट हमारे साथ नहीं होता. तो अगर अटैचमेंट नहीं है तो वो चीज़ हमारा हाउस है, ठीक है. लेकिन होम इट्स अ काइंड ऑफ डीप अटैचमेंट. होम से आपका बहुत डीप अटैचमेंट हो जाता है और हाउस से कोई अटैचमेंट नहीं होता. इस तरीके से आप अच्छे से देख सकते हो आपका घर क्या है, आपके लिए होम है कि हाउस है. ओके, नेक्स्ट वन देखिए, चौथा है आंट और आंटी में अंतर. बेसिकली हम लोग समझ नहीं पाते, किसी को भी आंट कह देते हैं, किसी को भी आंटी कह देते हैं, लेकिन देखिए अंतर क्या है. आंट और आंटी में ये अंतर है, आंट का मतलब होता है जिनसे हमारा रिलेशन है, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है या रिलेशन है, हम उन्हीं को केवल आंट कहते हैं. जैसे हमारी चाची, सो चाची को आप क्या कह सकते हैं, आंट. मौसी, मौसी को क्या कह सकते हैं आप, आंट. लेकिन मान लीजिए पड़ोस में एक हमारी चाची रहती हैं, उनसे हमारा रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग उनको भी कहते हैं आंट. सो उनसे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर यूज़ करते हैं आंटी. दोस्त की मम्मी, दोस्त की मम्मी आपके लिए क्या हो गई, आंटी हो गई. लेकिन आपकी चाची, आपकी मौसी आपके लिए क्या हो गई, आंट हो गई. सो ये डिफरेंस है आंट और आंटी में. ओके, सो इस तरीके से ये चारों डिफरेंसेस आप जान पाए. सो नाउ आई होप इन चारों को जब भी आप यूज़ करेंगे, इंटेंशनली यूज़ करेंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे और यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो नाउ दैट्स ऑल पीपल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.